जय माता दी दोस्तों, LTY चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है आपका LTY चैनल में। आज कुछ अलग, मतलब थोड़ा सा मैं आपको रिवर क्लोजली, वैसे तो ऊपर से दिखलाई थी हमने जब मैं बाकी का पिछला व्लॉग मैंने दिखाया, तो ये मेनली मैंने एक अलग से रिवर के लिए बना दी कि यार हम, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग से आके नहाया था, ये बालटाल बेस कैंप के पास में ही, तो ये ऊपर से बाबा के पास से इसका पानी भी निकल के आता थोड़ा, और थोड़ा पीछे से आता है जो जोजिला ग्लेशियर है वहाँ से इसका पानी निकल के आता है जो, और कुछ बाबा अमरनाथ का जो ग्लेशियर है, तो उसके बाद से इसके अंदर कई सारे झरने, कई जैसे माउंट कोलाई है उसका पानी भी, और जो संगम है अनंतनाग की तरफ से एक पानी आता है उसका झरना भी, वो इसी में आके मिल जाते हैं, तो तब जाके नदी बनती है, तो आप इसका व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों, रात सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, लेकिन जैसे ही रात होती है, शाम ढलने को होती है, इसका पानी लगातार बढ़ जाता है यार। क्यों? इसका एक रीज़न है, दिन में होती है थोड़ी सी गर्मी, अब ग्लेशियर गर्मी के अंदर पिघलते हैं, वो जब तक पानी पिघलते पिघलते वो पहुँचता है वो यहाँ तक, तो वो शाम हो जाती है, तो शाम होने पे ये इसका पानी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और रात के टाइम वहाँ पे वो घटता नहीं है, तो अचानक से फिर घट जाता है, तो सुबह के टाइम इसका पानी घटा हुआ रहता है। तो इस वजह से पहले हम यही इसी पे बैठ के नहा रहे थे, पत्थर वत्थर वगैरह हैं, तो तभी इसके ऊपर से नहीं जा रहा, अब तो पानी इसके ऊपर से जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल सा रीज़न है कि यार पानी बढ़ गया। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो रोड आपको जिगजैग दिख रहा है, और ये सिनेमेटिक एकदम सीनरी जैसे दृश्य के साथ, ये आम रोड नहीं, ये लेह लद्दाख हाईवे रोड है, और ये बिल्कुल जैसे जिगजैग को क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर ही दूर जोजिला पास पड़ता है, जोजिला ग्लेशियर के अंदर से रोड जाता है, सर्दियों में रोड बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ही जोजिला टनल पर काम चालू हो रहा है, और जोजिला टनल का काम 2010 से चल रहा है, 2018 तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, तो उसका 75% वैसे भी काम हो चुका है, और वो वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल होने वाली दोस्तों। उसके बेनिफिट क्या होंगे कि हमारे जो फोर्स वगैरह है उनको रीइंफोर्स करने में बहुत मदद करेगी, जम्मू कश्मीर इलाके पे हमारी पकड़ मजबूत होगी, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी इससे उसको हेल्प मिलेगी, चीज़ें यहाँ पर सस्ती हो जाएंगी जो कि एक्सपेंसिव होती है। 6 महीने तक जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी जो कि अब है, वो बंद रहती है, तो वो अब ऐसा रहेगा कि लगभग 9 महीने वो खुली रहे, और बाकी सब के लिए इजीली ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो आपको ब्लॉग, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, देखते रहिए आगे। वाइट पानी है जो ये हो रखा है, बर्फ़ पीला पानी है काफ़ी, तो इस वजह से इसका कलर जो है वो वाइट ही है अभी, तो जैसे ही आगे चलता चलता जाएगा इसका पानी बिल्कुल क्लियर विजन का हो जाएगा। काफ़ी चौड़ी हो जाती है बालटाल बेस कैंप के पास में, और इसका बहाव भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। दोस्तों, कभी भी आए तो बीच में जाने की कोशिश ना करें, हाँ हो सकता है आप किनारे पे नहा लें किसी चीज़ को पकड़ के, पर बीच में जाने की कोशिश ना करें गलती से भी, ये और स्मार्ट बनने का तरीका कभी कभी भारी पड़ जाता है। और मैंने कई सारे लोग भी देखे, तो क्या है कि लोग यहाँ पर आके मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन क्या यार, रिवर का पानी है, रिवर के पानी में मेडिटेशन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। आंख बंद करो और सिर्फ फील करो इसकी म्यूज़िक को, इसके एक जो जैसे एक रिवर सॉन्ग की तरह लगता है कि यार गाना गा रही है, कि एक जब पत्थर को जब पानी हिट करता है तो किस तरीके की आवाज़ आती है, जब ढलान पे पानी चलता है तो किस तरीके की आवाज़ आती है, तो इन्जॉय कीजिए दोस्तों। ये आपका हेलीकॉप्टर सेवा आप ऊपर देख पा रहे होंगे, हेलीकॉप्टर सेवा निरंतर चालू है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है जोजिला पास, यहाँ से होते हुए ये रोड जाता है ऊपर तक, और ऊपर से ये मुड़ जाता है फिर पीछे की तरफ, वो फिर सामने से एक रोड पेड़ों के पीछे से निकलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे इधर से एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन पे ये चला जाता है, और मेनली ये इस कोने पे जैसे पहाड़ ख़त्म होता है इसके पीछे से घूम जाता है,
और पूरा बहुत बड़ा ग्लेशियर जो कि अभी तक पिघला नहीं है इतनी गर्मी में भी, क्योंकि जोजिला ग्लेशियर कभी इतनी शायद ही मुश्किल से पिघलता है। तो ये सब है और वहीं से वो नदी का उद्गम होता है और पीछे से घूमते हुए बाबा अमरनाथ की केव जो होली केव है वहाँ से निकलता हुआ ये पानी आता है। और काफ़ी जाने मतलब अप्रोक्स 50% भक्तजन इसमें स्नान करके जरूर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई स्नान करो, पर सबकी अपनी अपनी एक मर्जी है। तो जिसे अच्छा लगता है कि हाँ यार आगे नहाना है नदी में साफ पानी में तो वो नहा लेते हैं, उसको लगता है कि यार नहीं हम बात दूर दूर से कुछ है तो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहाना इसमें जरूरी भक्तों की है। माने दोस्तों तो इसे पंचतारिणी नदी भी बोल दिया जाता है, तो उसका एक फैक्ट है, बोलते हैं कि पंचतारिणी नदी सिंध रिवर में आगे मिलती है तो इसलिए इस पंचतारिणी नदी पर। एक्चुअली ऐसा होता है कि जो बड़ी नदी है उसका नाम हमेशा पहले लिया जाता है, अगर दो नदी सेम है तो उनका नाम बदल दिया जाता है। तो एक तरीके से सिंध रिवर के अंदर पंचतारिणी नदी गिरती है तो ये सिंध रिवर ही रहती है, जो कि सोनमर्ग गंड और आपका गंदरबल से होती हुई सीधा सोपोर की पिछली तरफ सीधा झेलम रिवर में मिल जाती है और उसके बाद झेलम रिवर आगे पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। जो बाबा अमरनाथ की जो होली केव है पवित्र गुफा उसके बाहर से निकलती हुई जाती है ग्लेशियर के नीचे से, पर इस बार तो कोई ग्लेशियर भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि यार वो 35-35 मीटर के ग्लेशियर में तो सरप्राइज़ है यार कि यार इतनी गर्मी यहाँ पर और ग्लेशियर मतलब है ही नहीं। अभी तो दूसरा ही तीन तारीख हुई है, मतलब चार ही जत्थे आए हैं अभी तक और उसमें ग्लेशियर नहीं है। तो मतलब बाबा के जो शिवलिंग है वो ज़्यादा दिन तक आपको दर्शन नहीं दे पाएंगे, तो आप उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हो सके तो आप जितनी जल्दी हो सके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10 से 15 दिन तक, उसके बाद बाबा वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे वो, फिर आपको अगले साल ही आना पड़ेगा और वहीं से फिर ये यात्रा ख़त्म कर दी जाती है। जैसे शिवलिंग विलुप्त हो जाता है तो वैसे ही ये यात्रा की समाप्ति हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, बाबा जय बाबा बर्फानी की, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जिस दोस्तों ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों फॉर लाइव अपडेट। वैसे भी मैं मंथली 2 व्लॉग डालता हूँ तो ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं होगी, पर यार आपका मैक्सिमम सपोर्ट तो चाहिए, तो यार जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा, कि यार मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं घूमने जाऊँ वहाँ से कुछ नया आपके लिए लेके आऊँ, कुछ जानकारी लेके आऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय बाबा बर्फानी।